परिचय। विद्यार्थियों, गेंद की तरफ देखो। तुमने इसके साथ खेला होगा। क्या कोई मुझे बता सकता है कि इसका आकार कैसा है? हाँ सर, ये वृत्ताकार है। नहीं, ये आकार में गोलाकार है। ठीक है, तुम लोगों ने सॉफ्टी खाई होगी। उसका आकार कैसा होता है? हाँ सर, ये आकार में शंक्वाकार होती है। बहुत अच्छे रोहन। बच्चों, आज हम कुछ और आकारों के बारे में विस्तार से जानेंगे, तो आओ शुरू करें। उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे। विभिन्न ठोस आकारों को पहचानना, ठोस आकारों के किनारों, शीर्षों एवं फलकों को गिनना, जालों से 3D यानी त्रिविमीय ठोस आकारों की रचना करना, सपाट पृष्ठ पर ठोसों को बनाना, एक ठोस के विभिन्न भागों को देखना, फलक, किनारे और शीर्ष। अरे छात्रों, मुझे देखो, मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूं? एक घन। एक घन एक विशेष प्रकार का घनाभ होता है, जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई समान होती है। एक शीर्ष या शीर्ष बिंदु वो बिंदु होता है जहां दो या अधिक सरल रेखाएं मिलती हैं। एक किनारा एक रेखाखंड होता है जो दो शीर्षों को जोड़ता है। एक फलक किसी ठोस वस्तु का एक समतल या एक वक्रीय पृष्ठ होता है। उदाहरण। क्या आप जानते हैं कि एक घनाभ में कितने किनारे, शीर्ष एवं फलक होते हैं? जी हां, एक घनाभ में 12 किनारे होते हैं, 6 फलक और 8 शीर्ष होते हैं। 3D यानी त्रिविमीय आकार बनाने के लिए जाल। अब हम देखते हैं कि एक घन को कैसे बनाया जाता है। एक जाल 2D में एक प्रकार का ऐसा ढांचा होता है जिसे मोड़ने पर परिणाम स्वरूप 3D आकार प्राप्त हो जाता है। यहां हम आपको दिखाते हैं कि एक घनाभ को उसके जालों से कैसे बनाया जाता है। अब आप एक घन को उसके जाल के साथ देख सकते हैं। अब हम देखते हैं कि एक पिरामिड को कैसे बनाया जाता है। यहां हम देखते हैं कि एक पिरामिड को उसके जाल से कैसे बनाया जाता है। अब हम देखते हैं कि एक शंकु को कैसे बनाया जाता है। यहां हम दिखाते हैं कि एक शंकु को उसके जाल से कैसे बनाया जाता है। अब हम देखते हैं कि एक बेलन को कैसे बनाया जाता है। यहां हम दिखाते हैं कि एक बेलन को उसके जाल से कैसे बनाया जाता है। सपाट पृष्ठों पर ठोसों को खींचना। आइए त्रियक या अनियमित चित्रों के बारे में जानते हैं। एक त्रियक चित्र में प्रायः 45 डिग्री के एक कोण पर घटती गहरी रेखाओं के साथ सपाट पृष्ठ पर एक लेखन संयोजन सम्मिलित है। आइए घन का एक त्रियक चित्र खींचते हैं। एक त्रियक प्रक्षेपण खींचने के लिए 3 मुख्य नियमों का पालन किया जाता है। वस्तु का सम्मुख अथवा पार्श्व दृश्य खींचिए। सभी पीछे की ओर खींची हुई मापें असल मापों की आधी हैं। पीछे की ओर खींची गई सभी रेखाओं के लिए कोणों की माप 45 डिग्री है। आइए समदूरिक चित्रों के बारे में जानते हैं। समदूरिक शीट अर्थात समान दूरियों वाली शीट पेपर को
छोटे समान त्रिभुजों में विभक्त करती है। समदूरिक चित्र 3D चित्र हैं। सभी ऊर्ध्वाधर रेखाएं खड़ी खींची गई हैं, किंतु सभी क्षैतिज रेखाएं आधार रेखा से 30 डिग्री पर खींची गई हैं। समदूरिक 3D छवियों को खींचने की एक सरल विधि है। आइए घन का एक समदूरिक चित्र खींचते हैं। ठोस के सामने के कोने को A से चिन्हित कीजिए। 3 इकाई नीचे, 3 इकाई बाएं एवं 3 इकाई दाएं खींचिए। तत्पश्चात अंतिम बिंदु से 3 इकाई बाईं ओर खींचिए। ठोस के शीर्ष के लिए एक वर्ग खींचिए। ऊर्ध्वाधर किनारों के लिए प्रत्येक शीर्ष से 3 इकाई नीचे की ओर खींचिए। छिपे किनारों के लिए डैश रेखाओं का उपयोग करते हुए उचित शीर्षों को जोड़िए। एक ठोस को काटकर या उसके पतले टुकड़े करके देखना। अब हम टुकड़े करने वाला खेल खेलने जा रहे हैं। हमारे पास मक्खन यानी बटर का एक टुकड़ा है जो एक घनाभ के आकार में है। यहां हम मक्खन के पतले टुकड़े करते हैं। टुकड़े की प्रत्येक फलक लगभग आयताकार है एवं मक्खन के टुकड़े का ये पृष्ठ अनुप्रस्थ काट कहलाता है। तो बच्चों, क्या तुम इस खेल को पसंद कर रहे हो? अभी हमें बहुत कुछ जानना बाकी है। आपने किचन का दौरा तो किया होगा एवं आपने कई बार कटी हुई सब्जियों को देखा होगा। इस प्रकार सब्जियों को काटने के बाद वे भिन्न भिन्न आकार ले लेती हैं। तो इस बार आप कटी हुई सब्जियों को देखकर उनके आकार को बता पाएंगे। एक छाया खेल। हमारे पास खेलने के लिए एक और खेल है जिसे हम छाया खेल कहते हैं। ये त्रिविमीय यानी 3 आयामी वस्तुओं को द्विविमीय यानी 2 आयामी में देखने की एक और सरल विधि है। आइए हम इस विधि के माध्यम से कुछ वस्तुओं को देखते हैं। अब हम बेलन की एक छाया को देखते हैं। यहां आप देखेंगे कि बेलन एक त्रिविमीय आकृति है, किंतु उसकी छाया एक द्विविमीय आकृति यानी एक वृत्त बना रही है। इसी प्रकार अब हम पिरामिड की एक छाया को देखते हैं। पिरामिड अपने आप में एक त्रिविमीय आकृति है, किंतु उसकी छाया भी एक द्विविमीय आकृति यानी एक त्रिभुज बना रही है। विभिन्न व्यवस्थाओं की वजह से कई उत्तर हो सकते हैं। तीसरा तरीका, वस्तु के विभिन्न दृश्यों को देखने के लिए इसे कुछ विशेष कोणों से देखा जाए। हम वस्तु को केवल उसके सामने खड़े होकर पार्श्व से एवं शीर्ष से देख सकते हैं। आइए इस विधि के माध्यम से कुछ वस्तुओं को देखते हैं। आइए इस अलमारी के सभी दृश्यों को देखें। ये इसका सम्मुख दृश्य है, ये पार्श्व और ये शीर्ष दृश्य है। सारांश, आइए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। एक शीर्ष या शीर्ष बिंदु वो बिंदु होता है जहां 2 या अधिक सरल रेखाएं मिलती हैं। एक किनारा एक रेखाखंड होता है जो 2 शीर्षों को जोड़ता है। एक फलक एक ठोस वस्तु की समतल या वक्रीय पृष्ठ होता है। एक जाल 2D यानी 2 विमीय में एक प्रकार का ऐसा ढांचा होता है जिसे मोड़ने पर परिणाम स्वरूप 3D यानी त्रिविमीय आकार प्राप्त हो जाता है। एक त्रियक प्रक्षेपण खींचने के लिए
तीन मुख्य नियमों का पालन किया जाता है। वस्तु का सम्मुख अथवा पार्श्व दृश्य खींचिए। सभी पीछे की ओर खींची हुई मापें असल मापों की आधी हैं। पीछे की ओर खींची गई सभी रेखाओं के लिए कोण की माप 45 डिग्री है। समदूरिक शीट अर्थात समान दूरियों वाली शीट पेपर को छोटे समान त्रिभुजों में विभक्त करती है। छाया खेल एक त्रिविमीय वस्तुओं को द्विविमीय में देखने की एक विधि है।